नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सिर्फ चार घंटे में चार धाम की यात्रा पूरी, सुनकर हैरान हो रहे होंगे आप। यह आश्चर्यजनक सपना अब सच होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं एक रेलवे स्टेशन पर खड़ी हूं। ये एनिमेशन है, यानी कि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, पर बहुत जल्द ये एनिमेशन जमीन पर साकार होने वाली है। मेरे पीछे आप जो ट्रेन देख रहे हैं ना, ऐसी ही ट्रेन पर सवार होकर अब आप बड़ी आसानी से चार धाम की यात्रा कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ कुछ ही घंटों में। यानी कि बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ, गंगोत्री और फिर यमुनोत्री तक का मुश्किल सफर आप ट्रेन में बैठकर ही तय कर सकते हैं। कैसी होगी ये चार धाम यात्रा, कैसे और कब तक पूरा होगा ये मेगा प्रोजेक्ट, आज इसका पूरा खाका आपके सामने रखेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। जीवन सफल उसी का समझो जिसने किया ये काम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। ट्रेन से बोलो जय केदारनाथ। सच की जय को ही कहते हैं देवासुर संग्राम। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। ट्रेन से बोलो बद्रीनाथ की जय। ट्रेन से करो गंगोत्री का दर्शन। बड़ी ही शक्ति निर्मल तेरे इस जल में, तुम पतितों को पावन करती हो पल में। ट्रेन से ले लो यमुनोत्री का पुण्य। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। चार धाम यात्रा के लिए हिंदुस्तान का सबसे मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। हिमालय की वादियों में आस्था और भक्ति का सबसे ऐतिहासिक सफर शुरू होने वाला है। इस अभियान के आगे हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ भी पौने हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी मुश्किल भी दूर हो जाएगी। देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ यात्रा कुछ ही घंटों में धड़धड़ाती हुई पूरी हो जाएगी। बद्रीनाथ हो या केदारनाथ, यमुनोत्री हो या गंगोत्री, अब सारी यात्राएं अब आप रेल से पूरी कर सकेंगे। जी हाँ, रेल मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। पहाड़ों को चीर कर इतना बड़ा पुल बनाया जा रहा है जो शायद चार मीनार और कुतुब मीनार से भी ऊंचा होगा। जी हाँ, इस पुल पर काम रेल मंत्रालय कर रहा है। बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और आप सारी यात्राएं आप रेल से चारों धामों की कर सकते हैं। जरा सोचिए उस दृश्य को कि जब आप पहाड़ियों पर चढ़ते थे तब आपको दिखाई पड़ता था कि कितनी ऊंचाई पर हैं। अब आप रेल में बैठकर सफर कर रहे होंगे और खिड़की से बाहर प्रकृति का नजारा देख सकेंगे। बेशक ये नजारा बेहद खूबसूरत और दिलचस्प होगा, क्योंकि हिमालय में इतनी ऊंचाई पर जब ट्रेन दौड़ेगी तो सफर का रोमांच कई गुना बढ़ जाएगा। मैप के जरिए समझिए क्यों खास होगी ये चार धाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई समुद्र तल से 3133 मीटर है। केदारनाथ धाम समुद्र तल से 3583 मीटर ऊंचा है। गंगोत्री जाने के लिए 3408 मीटर की ऊंचाई तक जाना होता है, जबकि यमुनोत्री समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर है। अब अंदाजा लगाइए कि करीब 3 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चार धाम जाने के लिए यात्रियों को कितनी लंबी चढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। पर बहुत जल्द हिमालय की ये बुलंद ऊंचाई भी छोटी पड़ने वाली है, क्योंकि रेल मंत्रालय ने इन चारों धाम को रेल नेटवर्क से जोड़ने का मास्टर प्लान शुरू कर दिया है। देखिए, चारों धाम को हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को चारों को हम रेल कनेक्टिविटी में लाएंगे। उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है और उसके लिए फाइनल लोकेशन सर्वे अभी चल रहा है। वो हमारा आरवीएनएल एजेंसी है, वो कर रहे हैं इसको। 120 करोड़ का एक्सपेंडिचर आएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में तीर्थ यात्रियों के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट होगा। इसके लिए बहुत जल्द फाइनल सर्वे होने वाला है, जिसके बाद पटरी बिछाने का काम शुरू हो जाएगा।
सरकार की योजना है। हिमालय को चीर कर रेल ट्रैक बिछाने की सरकार की योजना है। हिमालय को चीर कर रेल ट्रैक बिछाने की ये मेगा प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा बताएंगे आपको, पर पहले ये जान लीजिए कि रेल लाइन बनने के बाद कितनी आसान हो जाएगी चार धाम यात्रा। हिमालय के बेहद दुर्गम पहाड़ों के बीच होने वाली चार धाम यात्रा सबसे मुश्किल और खतरनाक तीर्थ यात्राओं में से एक है। इसे पूरा करने के लिए बद्रीनाथ से यमुनोत्री तक 327 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक बिछाया जाएगा, जिस पर ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ेगी और कई दिनों का सफर महज कुछ घंटों में पूरा कर लेगी। अभी तक ये तय नहीं है कि इस रूट पर ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी, लेकिन रेल विभाग का कहना है कि चार धाम की दूरी नापने वाली ट्रेन की रफ्तार शताब्दी ट्रेन जितनी होगी, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। ऐसे में 327 किलोमीटर लंबा ये सफर 4 से 5 घंटों में तय हो सकता है। ये लक्ष्य सुनने में भले ही नामुमकिन सा लगे, पर वैष्णो देवी की यात्रा पर ले जाने वाली श्री शक्ति एक्सप्रेस की कामयाबी की तस्वीरें आप देख चुके हैं। 3 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने श्री शक्ति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। नई दिल्ली से कटरा तक जाने वाली ये ट्रेन रोजाना सैकड़ों श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचाती है। इसके लिए उधमपुर से कटरा तक 25 किलोमीटर लंबी रेल लिंक बनाई गई है। रास्ते में ट्रेन को 10 सुरंगों और 50 से भी ज्यादा पुल पार करने पड़ते हैं। इस रूट का सबसे ऊंचा रेल पुल 85 मीटर ऊंचा है, जो कुतुब मीनार से भी ज्यादा है, जबकि सबसे बड़ी सुरंग की लंबाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है। श्री शक्ति एक्सप्रेस की अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है, पर उधमपुर से कटरा के बीच के पहाड़ी सफर को नापते वक्त इसकी रफ्तार थोड़ी कम रखी जाती है। बावजूद इसके श्री शक्ति एक्सप्रेस रोजाना इस ट्रैक पर पूरी बुलंदी से दौड़ रही है, और कुछ इसी तरह अब उत्तराखंड के चारों धामों के बीच भी सुपर फास्ट ट्रेन का जलवा देखने को मिलेगा। हर साल लाखों तीर्थयात्री चार धाम की यात्रा पर जाते हैं। फिलहाल ये सफर सड़क रास्ते पूरा होता है, इसके अलावा कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मुश्किलें ज्यादा इसलिए है क्योंकि चार धाम की यात्रा के दौरान अक्सर कभी लैंडस्लाइड तो कभी बादल फटने से सड़कें जाम हो जाती है। इसके बाद कई दिनों तक यात्रा रोकनी पड़ती है। ऐसे में रेल रूट बनने से मुश्किलें काफी आसान हो जाएगी। रेल मंत्रालय का दावा है कि इस रूट पर यात्रियों का सफर सुरक्षित भी होगा और काफी आरामदेह भी, लेकिन इसके लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। आगे बताएंगे आपको कि इस रूट पर ट्रेन दौड़ाने के लिए क्या क्या बंदोबस्त किए जा रहे हैं। रजत राकेश टंडन और मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पटरी पर चार धाम की यात्रा शुरू होने में अभी वक्त है, पर इंडिया न्यूज के इस वर्चुअल सेट पर चार धाम की यात्रा शुरू भी हो चुकी है। इस वक्त मैं ट्रेन के अंदर बैठी हूं और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की हरी भरी वादियों के बीच से गुजरते हुए एक एक कर हम कैसे चारों धाम की यात्रा पूरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा सफर जो है ना वो करीब 327 किलोमीटर का होगा। रास्ते में 21 स्टेशन पड़ेंगे और 59 ब्रिज, इसके अलावा 60 से ज्यादा टनल्स भी बनाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है हिमालय की पहाड़ियों को चीरकर रेल की पटरी बिछाना। बताते हैं आपको इस प्रोजेक्ट को जमीन पर लाने का प्लान कैसे पूरा होगा। ये दिल्ली से उत्तराखंड के टनकपुर तक प्रस्तावित श्री पूर्णागिरी एक्सप्रेस का एनिमेशन है। इस एनिमेशन के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये ट्रेन जमीन पर उतरेगी तो दिल्ली से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का फासला कितना छोटा हो जाएगा। टनकपुर को रेल सेवा से जोड़ने के लिए इस रूट पर ब्रॉडगेज ट्रैक लगाने का काम काफी तेजी से चल रहा है। पटरियां बिछाने के साथ साथ प्लेटफॉर्म और बिल्डिंगें बनाने का काम भी जोरों पर है। इसी तरह ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच प्रस्तावित रेल ट्रैक के लिए भी युद्ध स्तर पर काम जारी है। इस रूट पर सर्वे का काम पूरा हो गया है और अब पटरी बिछाने का काम चल रहा है। ऋषिकेश से बागेश्वर तक ये रेल लाइन 126 किलोमीटर लंबी होगी।
इस रूट पर 10 स्टेशन, 15 सुरंगें और 15 पुल बनाए जाने हैं। दरअसल चार धाम यात्रा को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में ये पहला कदम है। सरकार की योजना इसी रेल लाइन को बढ़ाते हुए देहरादून और कर्णप्रयाग के रास्ते बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक रेल पहुंचाने की। इसके लिए जमीनी इंजीनियरिंग सर्वे का काम 2 साल पहले ही पूरा हो चुका है। अब रेल विकास निगम लिमिटेड को फाइनल सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहाड़ों पर रेल ट्रैक बिछाना भी एक कठिन काम होता है। कई चुनौतियां सामने आती हैं। पहाड़ों को खोदकर टनल बनाना और टनल में रेल ट्रैक बिछाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। चार धाम की यात्रा में लगभग ऐसी 60 टनल होगी जहां से रेलगाड़ी गुजर कर जाएगी। और साथ ही साथ इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत का काम होता है कि 2 पहाड़ियों के ऊपर से ओवरब्रिज बनाया जाए या फिर रेल ट्रैक को जोड़ा जाए, क्योंकि इसमें भी काफी मेहनत लगती है। कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण, मिलेंगे राम। जी हाँ, चार धाम को रेल से जोड़ने की योजना कागज पर जितनी आसान दिखती है, हकीकत में ये उतनी ही मुश्किल और खतरनाक है, खासकर सुरंग और पुल बनाने का काम। इस रूट पर ट्रेन दौड़ाने के लिए 61 टनल बनाए जाएंगे। इसके अलावा 59 रेल ब्रिज बनाने की भी योजना है। जाहिर है, हिमालय के शिखर पर रेल चलानी है तो इन चुनौतियों से पार पाना ही होगा। टेरेन है, माइटी हिमालयाज हैं, प्रतिकूल जियोलॉजी है, अपने इश्यूज हैं, एक्सेस की प्रॉब्लम है, पहुंचने की दिक्कतें हैं, सर्वे भी बहुत मुश्किल से हो रहा है, खच्चर, घोड़े और तरह तक हेलीकॉप्टर, ड्रोन सबकी मदद ले रहे हैं। तो इस वक्त ये काम अपने आप में चुनौती भरा है और इस चुनौती को हम स्वीकार कर पहले भी किए और इसको भी पूरा करेंगे, चुनौती पूरा करेंगे। इस पूरे रूट पर 21 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाने हैं। चारों धाम के सबसे करीब पड़ने वाले रेलवे स्टेशन भी प्रस्तावित हैं। ये डोईवाला, ऋषिकेश और कर्णप्रयाग में बनाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इसका भारी भरकम बजट। इस प्रोजेक्ट पर 43,292 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है, यानी हर 1 किलोमीटर के ट्रैक के लिए करीब 130 करोड़ रुपए। सवाल है, इतना बड़ा फंड आएगा कहां से? काफी फायदा होगा, देश को फायदा होगा। और फाइनेंसिस की जहां तक बात है, अभी तो सर्वे की स्टेज पर है, लोकेशन सर्वे है और देखेंगे इसको किस तरह से हम फाइनेंशियली इसके लिए रिसोर्सेज जुटाते हैं। कोई ना कोई व्यवस्था, चाहे इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बना के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले सकते हैं और भी कोई इनोवेटिव तरीके से इसके फाइनेंसिस मोबिलाइज कर सकते हैं, इस पर हम निर्णय बाद। जानकारों की माने तो एक बार प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद इसमें निवेश को लेकर ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हर साल लाखों श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर जाते हैं, जिनसे रेलवे को अच्छा खासा मुनाफा होगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड में पर्यटन का विकास भी तेजी से होगा। रेलवे का कहना है कि ये रेल रूट न सिर्फ तीर्थयात्रियों का समय बचाएगा बल्कि उनका सफर भी काफी आरामदेह होगा। इस प्रोजेक्ट पे खर्च तो हजारों करोड़ रुपए होंगे, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि इससे रेलवे और यात्रियों को काफी फायदा साबित होगा और उत्तराखंड में पर्यटन को भी काफी अच्छा खासा बढ़ावा भी मिलेगा। चार धाम यात्रा को रेल सेवा से जोड़ने के साथ साथ ऑल वेदर रोड, यानी हर मौसम में काम आने वाली सड़कों के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। आगे आपको बताएंगे कितना खास होगा ये नया हाईवे। रजत राकेश टंडन और मनोहर केसरी के साथ ब्यौरा रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चार धाम की यात्रा पूरी कर अब हम फाइनल डेस्टिनेशन पर, यानी कि अंतिम मंजिल पर पहुंच गए हैं। यहां पहुंचकर इस ट्रेन का सफर पूरा हो जाएगा और इसी के साथ आपकी चार धाम यात्रा भी संपन्न हो जाएगी। इस मेगा प्रोजेक्ट से चार धाम जाने वाले लाखों तीर्थ यात्रियों को फायदा होगा। उन्हें पहाड़ की बेहद मुश्किल और खतरनाक चढ़ाई से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार की योजना चार धाम को रेल के साथ साथ सड़क नेटवर्क से भी पूरी तरह से जोड़ देना है।
हैं। इसके लिए ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट पर पहले से ही काम चल रहा है। बताते हैं आपको ऑल वेदर रोड से कैसे तय होगी चारधाम यात्रा। चकाचक सड़कें, गहरी घाटियों को जोड़ने वाले ऊंचे ऊंचे पुल और पहाड़ों को भेदती हुई लंबी सुरंगें। साल 2020 तक चार धाम जाने वाली सड़कें कुछ ऐसी ही नजर आएंगी। ये शिलान्यास हर हिंदुस्तानी के मन को वो संतोष देने वाला अवसर है जिसके हृदय में कभी न कभी माँ गंगा के तट पे आना है, हरिद्वार ऋषिकेश जाना है, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा करने का जिसका सपना है, बूढ़े माँ बाप को लेकर के आना चाहता है, आप कल्पना कर सकते हो। आज का ये प्रकल्प उन वृद्ध माँ बाप जो आने वाले दिनों में जब यात्रा के लिए आएंगे और सड़क बिना अवरोध ले जाती होगी, कितने आशीर्वाद हिंदुस्तान भर से मिलने वाले हैं इसका आप अंदाज लगा सकते हो। 900 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तराखंड के ऋषिकेश से होगी। ऋषिकेश से 140 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग तक NH-58 के विकास पर 2166 करोड़ का खर्च आएगा। NH-58 पर ही रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जाने के लिए 160 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी जिसकी लागत होगी 1542 करोड़। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड 76 किलोमीटर तक 1106 करोड़ की लागत से NH-109 पर ऑल वेदर रोड बनेगी। ऋषिकेश से 144 किलोमीटर दूर धरासू और फिर धरासू से 95 किलोमीटर दूर यमुनोत्री के बीच NH-94 का विकास किया जाएगा। इसके अलावा धरासू से 124 किलोमीटर दूर गंगोत्री के बीच NH-108 पर विकास किया जाएगा जिस पर खर्च आएगा 2079 करोड़। टनकपुर से पिथौरागढ़ के बीच 148 किलोमीटर तक NH-125 का विकास किया जाएगा जिसकी लागत होगी 1557 करोड़। चारधाम ऑल वेदर रोड पर 132 पुल होंगे जिनमें 25 हाई फ्लड ब्रिज यानी ऐसे पुल जिसे सावन भादो की उफंती नदी भी छू नहीं पाएगी न ही हिल पाएगी। अब जानिए कि कौन कौन से मार्ग पर कितने पुल होंगे। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग मार्ग पर 8 पुल, रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ मार्ग पर 41, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के रास्ते में 26, ऋषिकेश धरासू मार्ग पर 9, धरासू से यमुनोत्री के रास्ते पर 21, धरासू गंगोत्री मार्ग पर 4 और टनकपुर से पिथौरागढ़ के रास्ते में 23 पुल होंगे। चारधाम ऑल वेदर रोड पर जाम का झंझट नहीं होगा, इसके लिए 13 बाईपास बनेंगे। चारधाम के रास्तों पर नदियां और हिमगिरी के पानी का कहर भी टूटता है लेकिन अब जगह जगह पर ऐसी दीवार खड़ी की जाएगी ताकि नदियों का पानी सड़कों तक ना पहुंचे। लैंडस्लाइड्स के जितने भी स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उन सबका ट्रीटमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है। 13 जगह पे रीअलाइनमेंट है, 2 सुरंगें हैं, 25 बड़े ब्रिज हैं, 3 फ्लाईओवर्स हैं, इसके अलावा कई टाउन्स के बाईपासेस हैं, इसके सुविधा केंद्र हैं 18 जगह पे। इस तरीके से पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ये रोड साइंटिफिकली बनाए जा रहे हैं। कई जगह पे जहाँ पे कर्व्स को ठीक किया जाना है वहाँ पे कर्व्स को ठीक किया जा रहा है, वर्टिकल ग्रेडियंट और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रोड्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 900 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के सभी लैंडस्लाइड स्पॉट पर स्टील जाली, सॉइल लिली, गेवियन बॉल, स्क्वायर मैस वेजिटेशन, जियो सिंथेटिक ट्रीटमेंट की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। सिंकिंग जोन ट्रीटमेंट से भूस्खलन का बचाव होगा। चारधाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट में 2 बड़े सुरंग का निर्माण होगा जिसमें 25 किलोमीटर की दूरी महज 5 किलोमीटर तक सिमट कर रह जाएगी। बताया जा रहा है कि सुरंग के रास्ते यात्रियों का पेट्रोल डीजल में खर्च कम होगा साथ ही थकान भी।
यानी अब आप चाहें तो ट्रेन से चार धाम की यात्रा कर सकते हैं या फिर ऑल वेदर रोड से बेधड़क मनचाहे धाम तक पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का टारगेट है कि साल 2020 तक इस रोड प्रोजेक्ट को पूरा कर लेना चाहिए। इसके लिए 12,000 करोड़ का फंड भी मुकर्रर किया गया है। इस रूट पर दर्द भी मुकर्रर किया गया है। इस रूट पर दर्जन भर से भी ज्यादा बाईपास बनाए जाएंगे। बसों और ट्रकों के लिए जगह जगह पर अलग से बेस बनाए जाएंगे। इसके अलावा रास्ते में यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो इसका भी पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। बारह हजार करोड़ का चार धाम महामार्ग, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ करें। चारधाम ऑल वेदर रोड पर 13 बाईपास होंगे जिसकी कम से कम चौड़ाई 10 मीटर होगी। इसके अलावा जगह जगह इमरजेंसी लेबेस बनाया जाएगा जहां श्रद्धालु कुछ देर के लिए गाड़ी रोककर आराम कर सकेंगे। 18 जगहों पर रोड साइड एमेनिटीज यानी सुविधाएं होंगी जिसमें लोगों की जरूरत की चीजें मिलेंगी। चार धाम के रास्ते में 145 बस बेस को विकसित किया जाएगा। इस